मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहते हैं कि अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाजा जरूर खुला रहता है। न्याय की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौट सकता है। वहां पर हर किसी के साथ न्याय होता है। जो दोषी है उसे सजा मिलेगी और जो निर्दोष है उसे न्याय मिलेगा। दरअसल ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के पुनः वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने वकील द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के वकील सचिन गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र को जाति व्यवस्था के पुनः वर्गीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कानून का दुरुपयोग है, इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए, हम इसे खारिज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते के अंदर ही भुगतान की रसीद पेश करनी होगी। एडवोकेट सचिन गुप्ता ने एक और याचिका दायर की थी जिसमें आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने और वैकल्पिक आरक्षण की नीति लागू करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और इसके लिए भी सचिन पर 25,000 का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी अहम याचिकाओं पर फैसला लिया गया जो सुनने के बाद आप वाकई बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के 3.25 साल पुराने फैसले को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ 11 जुलाई से सुनवाई करेगी। संविधान पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस करेंगे। पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। आपको बता दें कि 3.25 साल पहले जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। इस पुनर्गठन की प्रतिक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ अगले हफ्ते सुनवाई करने वाली है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था। सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ 11 जुलाई से सुनवाई करने वाली है। खास बात यह है कि संवैधानिक पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस करने वाले हैं। पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ कौन कौन शामिल होगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने की केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इन पर 3 साल 3 महीने पहले मार्च 2020 में सुनवाई करना तय किया गया था, लेकिन तब कुछ याचिकाओं की मांग के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं को 7 जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष नहीं भेजने का फैसला किया था। तब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, जो कि 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए थे और अनुच्छेद 370 की व्याख्या से भी संबंधित थे, वो परस्पर विरोधाभासी भी थे। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों फैसलों के बीच कोई विरोधाभास है ही नहीं। इस साल फरवरी में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष भी याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था। सीजेआई ने तब भी ये कहा था कि वो इसे सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे। ये निर्णय पीठ तय होने के साथ ही अब हो गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले धारा 370 के प्रावधानों में बदलाव किया था। इन्हीं बदलावों के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहां पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहां केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कई समुदायों को कई सारे अधिकार भी नहीं मिले थे, लेकिन अब सारे अधिकार भी इन लोगों को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 में बदलाव के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी बांट दिया था। अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा, जिसको लेकर ये जो बवाल खड़ा हो रहा है वो है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर के पुनर्विचार करने की याचिकाएं गईं, तो उसके बाद साफ तौर पर ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा है, जो कानून है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मौलिक शक्ति न्यूज को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।